हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। 3 सालों के कार्यकाल पूरा करने पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते कोई बड़ा जश्न और समारोह नहीं हुआ। वर्चुअल तरीके से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर सरकार के कामों को बताने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गयी। सरकार के 3 सालों के कामकाज में पर्यटन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शनी में सरकार के 3 साल के विकास को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते विकास कार्यों में जो बाधा पहुंची, उसे आने वाले 2 सालों में गति प्रदान की जाएगी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर विपक्ष ने काला दिवस मनाया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, कुर्सी चले जाने पर उनका काला दिवस मनाना वाजिब है। बेहतर जो है वो रहा है, उसमें आज की परिस्थितियों में, खासतौर से इस कोरोना के दौर में भी हिमाचल प्रदेश के काम को, विकास को गति देने का प्रयास किया गया है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से आप इस बात को देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो विभिन्न योजना चली हैं, वो योजनाएं आगे बढ़कर के काम कर रही हैं। और आने वाले समय में 2 साल का कार्यकाल जो हमारे पास वर्तमान सरकार का रहता है, इसमें कोरोना के कारण जो प्रभावित काम, जो काम को गति देने की बात जो है, उसको और बेहतर ढंग से हम प्लान करके आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग इस कोरोना के संकट में भी दिया। और आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रगति की राह पर जहाँ आगे बढ़ रहा है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है, नए आयाम छू रहा है हर क्षेत्र में, उस दृष्टि से सरकार की ओर से हर संभव कोशिश होगी, प्रयत्न होंगे कि जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रदेश का जो स्टेटहुड का 50 साल पूरे हो रहे हैं और वहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, और ऐसे में सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जो हिमाचल की इस प्रगति की इस गाथा को हम लोगों के सामने सही तरह से प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए विभिन्न योजनाओं की जो है वो शुरुआत की जाएगी। थैंक यू। निश्चित रूप से वो उस तरह का है, क्योंकि सत्ता उनके हाथ से यहाँ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में वो जो है वो कुर्सी छूटी है। वर्षों तक कुर्सी पर बैठने की आदत जिन लोगों की है, वो लोग जमीन पर हैं, उनको परेशानी है, उस परेशानी का कोई समाधान नहीं है। PR TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।